अगर आपकी भी वॉशिंग मशीन का स्पिन वाले ढक्कन इसी तरह से प्रॉब्लम करता है, वो प्रॉपर बैठ नहीं पाता है, या फिर देख सकते हैं आप थोड़ा तिरछा हो चुका है, इस तरह का कंडीशन आपको कभी भी होता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल पाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और किस कारण से ऐसा हो रहा है। देख सकते हैं हमारा LG का ये वॉशिंग मशीन है, आपका हो सकता है कोई भी कंपनी का हो, लेकिन अगर ढक्कन प्रॉपर तरीके से ये बैठता नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। ये सामने देख सकते हैं सेकंड वाला चीज़ जो हमारे पास ये ढक्कन है स्पिन का, सेम टू सेम वही अभी हम लोग चेंज करें क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम आया है इंटरनली, जो कि मैं आप लोगों को अभी तुरंत इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रोसेस चालू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ढक्कन को खोलेंगे, ऊपर का जो पैनल है इस पैनल को खोलेंगे, तभी हम लोग का जो इंटरनली प्रॉब्लम है उसे हम फेस कर पाएंगे, उसे हम देख पाएंगे। तो भाई बैक साइड का भी कवर खोल रहे हैं हम लोग, बैक साइड का क्यों कवर खोल रहे हैं वो अभी आप लोग को तुरंत पता चलने वाला है, क्योंकि इससे जो हमारा ऊपर वाला ढक्कन है पैनल है उसको खोलने के लिए ही यहाँ पर हम लोगों को पीछे का बैक साइड का कवर भी खोलना पड़ता है। इसका बहुत बड़ा कारण है, सबसे पहले हम लोग इसको स्क्रू को ओपन कर लेंगे, सारा स्क्रू को, कोई भी स्क्रू को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। स्क्रू इजीली ओपन होने के बाद इस ढक्कन को हम लोग बाहर कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास है ये ड्रेन फीता, ठीक है। ये ड्रेन को सबसे पहले नॉर्मल कर लेते हैं हम लोग, ये ड्रेन अभी किया हुआ था। तो इस ढक्कन का जो फीता रहता है, इस फीता को हम लोग खोलना होगा ताकि हम लोग जो पैनल उठाएंगे तो ये फीता कनेक्ट नहीं रहेगा, तो इसलिए हमारा पैनल पूरा बाहर आ पाएगा। तो स्क्रू वगैरह ऊपर पैनल का हम लोग खोल चुके हैं, इसका ड्रेन फीता भी खोल ली, अब क्या बचा हम लोग को, इस पैनल को बाहर निकालना। तो इसमें खोलने से पहले कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट उठाइएगा तो इसका लॉक वगैरह सारा टूट जाएगा भाई। तो आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले लॉक खोलना है क्योंकि इंटरनली लॉक रहता है। लॉक किस टाइप से रहता है चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आपका LG का रहेगा तो सेम टू सेम इसी प्रोसेस से आपको खुलेगा, अगर आप कोई और कंपनी का है तब भी आपका इजिली खुल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर लॉक को हम लोग ओपन करें क्योंकि इंटरनली लॉक इसी तरह से आपका लगता है रहता है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। सारा लॉक को हम लोग खोल लेंगे इजिली तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं सारा हमारा लॉक अब ओपन हो ही चुका है। अब क्या करेंगे, इस पैनल को हम लोग ओपन करेंगे, उससे पहले एक लॉक और हमारा बच गया था तो उस लॉक को भी हम लोग अभी इजिली ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो सारा लॉक हमारा है यहाँ पर नॉर्मली देख सकते हो, सारा लॉक हमारा खुल चुका है। अब क्या करेंगे, इस पैनल को ओपन करेंगे। पैनल ओपन होने के बाद फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर पैनल में कुछ मतलब ये जो आपका ढक्कन इसमें एक प्रॉब्लम आया था, ये जो देख सकते हैं लॉक यहाँ पे टूटा हुआ है इस ढक्कन का, इसी कारण से प्रॉपर बैठ नहीं पा रहा था, इसी कारण से ये दिक्कत आ रहा था। लेकिन ये जो न्यू वाला है इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉक हमारा है, लेकिन उसमें ये लॉक नहीं है, उसमें टूट चुका है ये साइड वाला लॉक, इसी कारण से ये प्रॉपर बैठ ही नहीं पा रहा था। आप डायरेक्टली क्या करना है, इसको रिपेयर नहीं करना, डायरेक्ट चेंज करना है, तभी आपका हमेशा के लिए बढ़िया रहेगा। तो इसको हम लोग ये जो लॉक देखा है साइड वाला, उस लॉक को हटाए और इस ढक्कन को हटा दिया हम लोग, ठीक है। ये आपके स्पिन वाला जो आप देख रहे हैं तार इस टाइप का, उसको भी हटाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर दूसरा हमारा आ चुका है न्यू पीस वाला, तो इसको हम लोग फिट करेंगे सेम लॉक में। पहले हम लोग इसको ईजिली घुसा देंगे, बहुत आसान तरीके से लग जाता है, कोई इशू नहीं होता इसमें। तो ढक्कन लग जाने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो स्पिन लेट का ये तार देख रहे हैं आप, उसको भी लगाना ज़रूरी है, तभी आपका ये जो ढक्कन है वो इजली ऊपर आप करोगे तो इजली वो रह जाएगा, नीचे के लिए जाएगा तो आराम से वो बैठ जाएगा। तो इसको बहुत आराम से और आहिस्ता आहिस्ता लगाना आपका, ताकि आपको कोई भी सामान नुकसान ना हो। तो यहाँ देख सकते हैं इजली हमारा ये सब प्रॉपर फिट कर रहे हैं, पूरा जाएगा ये। तो यहाँ पर हमारा जो स्प्रिंग था ये भी पूरा तरीके से हमारा फिट हो चुका है, तो यहाँ का काम हमारा लगभग में कम्प्लीट हो चुका है। देख सकते हैं अब ढक्कन हमारा इजली अब ओपन हो रहा है, इस तरह से अब रुका हुआ रह रहा है, उस समय रुक भी नहीं रहा था क्योंकि इसमें प्रॉब्लम था। अब इजली हमारा ये काम कर रहा है भाई बढ़िया तरीके से, वो भी क्योंकि इसमें न्यू पीस लग चुका है तो भाई काम अच्छा करेगा ही। तो दोनों लॉक हमारा लग गया है और स्पिन का जो ये था वो भी लग गया है। यहाँ पर एक वायरिंग तार रहता है जो कि सटता है, उसे भी आप प्रॉपर ध्यान दें अगर आप टेक्नीशियन है तो। बाकी अब इसको हम लोग कवर को ऊपर का फिट कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसको फिट करना भी ज़रूरी है। तो जिस तरह से हमारा लॉक आया था उसी तरह से हम लॉक में प्रॉपर बैठा देंगे उसको, राइट लेफ़्ट मूव करके, ताकि हमारा लॉक प्रॉपर इसमें बैठ पाए। लॉक बैठाने के बाद जिस तरह से आप इसको ओपन किए थे, स्क्रू वगैरह जो आप ओपन किए थे, सारा स्क्रू को आपको इजली तरीके से लगा देना है। यहाँ भी एक स्क्रू है, लॉक पहले फिट करना है उसके बाद सारा स्क्रू लगाना है। तो सारा स्क्रू आप लगा दोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर एक स्क्रू यहाँ पर, एक स्क्रू यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो जो भी आप स्क्रू ओपन किए थे सारा स्क्रू को आपको इजली लगा देना है। ये ढक्कन देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से हमारा उठ जा रहा है और आसानी से हमारा ये लग जा रहा है। तो यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है हमारा, देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करें, इसका स्क्रू को लगा रहे हैं, क्योंकि भाई जो भी स्क्रू को आपको ओपन करेंगे सेम टू सेम आपको उसी स्क्रू को फिट भी करना,
ज़रूरी है, क्योंकि काम तो आपको प्रॉपर ही करना पड़ेगा। अब एक और चीज़ बच जाता है हमारा, नीचे का जो हम लोग फीता खोले थे ड्रेन वाला, उसको भी हम लोग प्रॉपर तरीके से फिट कर देंगे, क्योंकि अगर ये फीता फिट नहीं होगा तो आप जब ड्रेन करोगे पानी निकालने के लिए तो आपका पानी निकलेगा ही नहीं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ड्रेन वाला फीता है उसको प्रॉपर तरीके से आपको लगा देना है, और ड्रेन करके आप एक बार घुमा करके ऊपर चेक कर ले, हाँ मेरा ये काम कर रहा ही नहीं कर रहा, हाँ भाई सही से काम कर रहा है हमारा यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, फाइनली हम लोग पीछे का कवर को फिट करेंगे। अब हमारा स्पिन का जो ढक्कन है वो प्रॉपर चेंज हो चुका है, और हमारा आराम से ये बैठ भी रहा, आराम से इसको हम लोग जब ऊपर उठा रहे तो इसलिए हमारा ऊपर उड़ भी जा रहा है, तो कोई तरह का इशू हमारा नहीं आ रहा है इस स्पिन के ढक्कन में, और प्रॉपर तरीके से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इसी प्रकार से आप ये ढक्कन को चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, मैं आप लोग बहुत आसान तरीके से बताऊं। अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स।